हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोखा एंटरटेनमेंट। हम आए एक नए गोट फार्म पर और जो कि साथ में बैंक के अंदर एम्प्लॉय है और एक ब्रीडिंग सेटअप पर काम कर रहे हैं। बीटल ब्रीड पे काम है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर की फीमेल है और एक ब्लड लाइन का ब्रीडर है। हमारे साथ इनके ओनर है और काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। हम नई लोकेशन पर है, हनुमानगढ़ से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये इवनिंग का समय है, फीड चल रहा है यहाँ पे हरे चारे के अंदर। यहाँ पे खेतों में घास उगती है, उसको देते हैं, बड़े चाव से एनिमल खा रहे हैं। हमारे साथ ओनर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम जी अब्दुल खालक, वीपीओ केकरवाड़ी, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ जी। हनुमानगढ़ से जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से फार्म की कितनी दूरी है? 25 किलोमीटर दूर है भाई। 25 है जी भाई। तो आप गोट फार्मिंग के अलावा क्या काम करते हैं? मैं SBI ब्रांच में CSP हूं। अच्छा, SBI बैंक के अंदर CSP पोस्ट हो आप जी भाई। तो बकरियों के लिए समय निकाल लेते हो जी? तो क्या टाइम से बकरियों को संभालते हो? सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक, शाम को 5 से लेकर 11 बजे तक। बीच में दोपहर को एक बार लंच करने आते तो संभाल लेते हो? घर वाले भी कुछ केयर कर लेते हैं? पूरी फैमिली की पूरी सपोर्ट है जी। टोटल आपने बीटल ब्रीड से काम क्यों शुरू किया, क्या कारण लगता है इसका? ये अपने को ओनली बीटल के ही समझ। क्या खास बात है बीटल ब्रीड? बस इसकी हाइट, लेंथ और कलर के कारण। कलर मतलब बीटल ब्रीड के अंदर कलर, उसकी हाइट, उसकी लेंथ, ये सब चीजें मायने रखती है। आपने एक बकरा थोड़ा लंबा करना, ये बकरा आपने एक ब्लड लाइन का नजर आ रहा है, जैसा कि नागरा डब्बा इसको बोलते हैं, पाकिस्तानी कलर बोलते हैं इसको, और बहुत शानदार ब्लड लाइन का है। आपने इस बकरे को क्यों खरीदा, इसके बारे में थोड़ा बताओ, आपकी लाइन कौन सी है, नाम क्या रखा है इसका? इसका नाम सुल्तान है जी। सुल्तान है, कितनी उम्र होगी सुल्तान की? सुल्तान की लगभग 2-2.5 साल उम्र है जी। 2-2.5 साल, दांतों में पूरा 8 है? नहीं, 6 दांत पे, 6 दांत के, और 44 इसकी हाइट है, 44 के अप्रोक्स हाइट है। और वजन आएगा इसका 90 kg के लगभग। लंबी गर्दन का है, नागरा डब्बा बोलते हैं इसको, नागरा डब्बा पाकिस्तानी कलर है, माशाल्लाह बहुत मजबूत पैरों का बकरा है। आजकल हनुमानगढ़ में बड़ा ट्रेंडिंग कलर ये बना हुआ है, बहुत लोग शौक कर रहे हैं इस तरह के बकरे का। तो ये बकरा आप ब्रीडिंग के लिए लाए हो? हाँ जी। तो इससे ब्रीडिंग लेना स्टार्ट कर दिया है? जी भाई। बकरियां क्रॉस है इससे जी? ठीक है। तो ये शौकीन पर्सन आएगा क्या, ये बकरा सेल के लिए होगा? नॉट फॉर सेल है भाई। ये ब्रीडर रखोगे आप? जी, ब्रीडर। ठीक है। कोई बकरियां कोई लेना चाहे, कोई शौकीन फार्मिंग वाला बंदा है तो दे दोगे? हाँ, दे देंगे। दे देंगे। इसके बच्चे? इसके नहीं, अभी फिलहाल बच्चे इसके आए नहीं भाई। आए नहीं है। बकरियां इससे क्रॉस करवा रहे हो आप अभी? वो अपना दूसरा ब्रीडर है, उससे क्रॉस, उससे क्रॉस है। ठीक है। कितने जानवर है अपने फार्म पे? बकरी भाई इससे सारी क्रॉस है और बच्चे पहले वाले ब्रीडर के। इसके लाइन पूछ रहा था मैं, लाइन कौन सी है? ये लाइन जहांगीर ब्रीडर का है। जहांगीर बाग मलिक वाली लाइन? बाग मलिक वाली लाइन, बाग मलिक वाली लाइन का बच्चा है फ्रेंड्स। शानदार खूबसूरत बच्चा है, बेहतरीन है। ठीक है, अब आते हैं हम बकरियों पे। टोटल एनिमल कितने बताया आपने फार्म पर? ये लगभग 33 है नागा मेरे पास, छोटे बड़े मिला के जी। बकरियां कोई बच्चे वाली है, गैप भी नहीं, सारी सर गैप भी नहीं है, बच्चे वाली भी है भाई। इसको हटाओ फ्रेंड्स। सबसे पहले फीमेल चेक करें, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बॉडी स्ट्रक्चर की फीमेल है, अच्छे कलर पैटर्न में है। क्या डिटेल है इसकी? 8 दांत पे 38। आपने फार्म में सारी अच्छी हाइट की बकरियां खरीदी हैं जी भाई? बड़ी महंगी आई होंगी जी, ऐसा अच्छा लगा जी? अपने को सौ की बड़ी बकरी है भाई, बड़ी बकरियों का शौक है, बड़ी फ्रेम की, बड़ी पेटी की बकरी होगी। आपको इस बकरी का कुछ रिकॉर्ड पता है, कितनी बार बच्चे दे चुकी होगी? ये रिकॉर्ड का तो मेरे को नहीं पता भाई। अच्छा, अभी गाभिन है? अभी गाभिन है। कितने दिनों की? लगभग 1-1.5 महीने की। 1-1.5 महीने की क्रॉस है जी। कोई अच्छा शौकीन पर्सन आए फार्मिंग के लिए, बकरियां किसी को लेनी हो, क्या दोगे? मन है? दे देंगे। प्राइस पर्सनल रहेगा भाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बॉडी स्ट्रक्चर की 51 बकरी लग रही है। कितने दिनों की 51 होगी ये? लगभग 2 महीने की लोडेड है भाई। 2 महीने की लोडेड है फ्रेंड्स। बड़े फ्रेम की फीमेल है। 6 दांत पे 40 जी भाई। नापा है या आइडिया है? नापा भाई, बिल्कुल टेप लगा के देंगे। टेप लगा के दोगे हैं जी भाई। फ्रेंड्स, फीमेल देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर के। वजन आएगा कम से कम 60-65 किलो आराम से, है ना जी भाई? आएगा वजन कितना? 60-65 ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, 60-65 से ज्यादा होगा फ्रेंड्स। लंबान की बकरी है, अच्छी लंबान, अच्छा चेहरा, बहुत खूबसूरत फीमेल है। क्या एज में? वाइट एज में खालिक भाई। वाइट एज। ये देखो क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह वाह। इसे बोलते हैं रेयर क्वालिटी, जबरदस्त। देखिए भाई बकरी है, डब्बा कलर, खुले पत्ते, कान, दोनों कान उठाओ। ये चीज ये देखे, इसे बोलते हैं जी क्वालिटी बकरियां। ये बकरियां पालो आपको मुनाफा देगी। एक बकरी इस तरह की लो, वो एक ब्यात में अपना रेट पूरा कर देगी, दो बच्चे देगी तो उस हिसाब का। ये बकरी क्या डिटेल पर है भाई? 8 दांत पे 38 इंच आएगी। 38 हाइट है। गैबन कितने दिनों की होगी? 3.5 महीने की। ये बकरी आपके पास कितने समय से है? ये लगभग मेरे पास 1.5-1.5 साल से। आपको कुछ आइडिया है कि कितना दूध देती होगी ये? ये लगभग 2-2.5 लीटर देती है। 2-2.5 लीटर दूध।
पूरे दिन का। नहीं वो कोई बात नहीं है, वो तो आप बिल्कुल सही बात। माशाल्लाह यार लेंथ चेक करो यार, लंबान देखो, एक से बढ़कर एक नगे इसे है यार। वाकई में हीरे पाल रखे हैं आप, जबरदस्त, बहुत बेहतरीन फीमेल है। लाल डब्बा कलर है, क्या डिटेल पर है? 38 के लगभग हाइट है फ्रेंड्स। और ज्ञापन कितने दिनों की होगी आईडी से? चार मंथ की लोडेड। आपके ब्रीडर से लोडेड है? जी 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 भाई। मुझे एक बात बताओ, अभी जैसे लोडेड बकरी है, अभी क्या कुछ खाने में रखते हैं इन बकरियों को? इसको देते हैं हरी पत्ती, ग्वार का भूसा और घास। और जैसे किसी ने बच्चे दे दिए तो उसको एक्स्ट्रा में क्या डाइट रखते हो? उसको कणक देते हैं, गेहूं और किसी तरह कोई खल वगैरह? और खल वगैरह बिनोले की खल का ये फायदा है कि वो दूध वगैरह अच्छा उतारती है। फ्रेंड्स वो शानदार फीमेल है, वो जबरदस्त क्वालिटी की। एक ये देखें माशाल्लाह जेड ब्लैक, बहुत बेहतरीन पंच बोलते हैं भाई, टॉप क्वालिटी बीटल इसे बोलते हैं, ओरिजिनल क्वालिटी बीटल। बीटल का ओरिजिनल कलर जेड ब्लैक, पूरा ब्लैक। ये अमृतसरी अच्छे बॉडी फ्रेम की फीमेल है। क्या डिटेल पर है? 8 दांत है भाई और 40 इंच हाइट है। आपने सारी बड़ी बड़ी बकरियां खरीदी हैं माशाल्लाह। अपने को 100 की बड़ी बकरी है भाई। बड़ी बकरी। ज्ञापन कितने दिनों की होगी? ये 3.5 मंथ की गैपिन है। कोई शौकीन पर्सन आएगा दोगे? हाँ देखेगा कोई सोने वाला बंदा होगा। ठीक फ्रेंड्स देख सकते, कोई बच्चे वाली लाओ यार। फ्रेंड्स ये चेक करें, मक्खी चीना टाइप का कलर, बहुत सुंदर कलर है। ये 37+ हाइट है, 6 दांत पे। ये 6 दांत पे है? जी भाई। चेक करो कितने टाइम की है? 6 दांत पे। और ज्ञापन? ज्ञापन 2.5 मंथ की है। इसके बाद ये देखे बिना सेंग के, ये 39 हाइट है और 8 दांत पे। 8 दांत पे, 1 से 1.5 महीने के लोडेड है। 1 से 1.5 महीने की क्रॉस है फ्रेंड्स। शानदार फीमेल है मुंडी, बहुत बेहतरीन बीटल में बड़ा रेयर मिलता है मुंडा जानवर, बिना सेंग का जानवर। और अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर की फीमेल है। ये देखिए लाल डब्बा व्हाइट आइज के अंदर है, खुले पत्ते कान। क्या डिटेल है? 8 दांत पे, 37+ हाइट है। और 2 मंथ की गैप है। 2 मंथ की गैप। सेल करोगे? आपको लगभग 3-4 साल हो गए पालते को। जैसे बकरी ने एक बार बच्चा दे दिया, दोबारा उसको क्रॉस कितने समय बाद करवाते? 1 से 1.5 महीने के बाद। 1 से 1.5 महीने के बाद बकरी बच्चा कितने दिनों में दे देती है? अब्दुल खालिद बच्चा 5 महीने लेती है, 3 दिन कम जाओ ऊपर, कम जाओ ऊपर। वैक्सीनेशन करवा रखा है एनिमल्स को? सर वैक्सीनेशन कंप्लीट है, पीपीआर एफएमडी सब किया हुआ है इसका। पीपीआर एफएमडी, अच्छे चेहरे की है। क्या डिटेल है इसकी? ये डिटेल है 8 दांत पे, 37 से 38 हाइट होगी इसकी। मतलब आप कोई भी फार्म पे 36 से 37 से कम हाइट कोई बकरी मिलेगी? 36 से लेकर 40 इंच तक बकरी मिलेगी। कितनी हाइट की फीमेल है आपके फार्म? कम से कम मेरे पास है पहली बार बच्चे देगी। क्या दांत पे, क्या हाइट पे? ये 6 दांत पे। 6 दांत पे, 6 दांत पे। और हाइट 36 से 36। कितने टाइम की गैप बिना? ये लगभग 2 महीने के। ये बच्चा लाओ यार, बच्चा बड़ा खूबसूरत है। ये फीमेल सेल करोगे अब्दुल खालिक भाई? ये हाँ सेल कर देंगे, कोई अच्छा सोने वाला बंदा। फ्रेंड्स बच्चा देखो, लाल डब्बा कलर का बच्चा है, वो शानदार है। ये इसके जो ये कट्टा बांध रखा है, इसका क्या यूज है? ये क्रॉसिंग नाक है इसलिए। अच्छा जल्दी क्रॉसिंग नाक है, गर्म हो जाता है बकरा इसलिए, तो इससे क्रॉसिंग नाक रहे। आपका मेन ब्रीडर है वही क्रॉस करे। जी, जी। क्या डिटेल है बच्चे की? भाई अदंत बच्चा है और खीरा है ये? 40 किलो खीरा बच्चा है। 8 महीने का बच्चा है, बिल्कुल कच्चे दांत पे। अरे बिल्कुल यार खीरा बच्चा, अदंत बच्चा है माशाल्लाह। फ्रेंड्स ये ब्लैक व्हाइट डब्बा कलर के अंदर फीमेल है। खालिक भाई ये बच्चे कितने पिछली बार के? इसके 3 बच्चे इसके साथ। कौन कौन से हैं? 2 मेल 1 फीमेल और ब्रीडर पे बच्चे देती है। देखिए क्या बात है फ्रेंड्स, बच्चे दिए ब्रीडर पे, ब्लैक बकरी का रंग है काला डब्बा, और बच्चे दिए लाल डब्बे। बच्चे कितने टाइम के हो गए भाई? बच्चे 3-3 मंथ के हैं। और बकरी कितने दिनों की गैपिन है? बकरी 2 मंथ की गैपिन होगी। मतलब बच्चे देने के 1 महीने के बाद क्रॉस हो गई थी। कौन से ब्रीडर से क्रॉस है ये? इस ब्रीडर से क्रॉस। अच्छा इस बागवाल लाइन से, सुल्तान से क्रॉस है बकरी भाई। सब बड़ी पेटी के 2 से 3 बच्चे देने वाले बकरी है। बकरी कोई भी एक बच्चा नहीं देती, कोई भी एक बच्चा नहीं देती। फार्म में सारे बड़े बड़े फ्रेम की बकरियां हैं माशाल्लाह, देख सकते हैं आप। और बहुत अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर की और अच्छी हाइट की। सबसे खास बात है बकरियों की हाइट, बकरियों का फ्रेम। ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको नजरों से बचाए माशाल्लाह। बहुत शानदार फीमेल है। ऐसी हाइट में बकरियां लोट के अंदर आज की तारीख में हनुमानगढ़ में किसी भी फार्म पर नहीं। आपको 1-2 बकरी मिल जाएगी, लेकिन सारी बकरियां आपको इतनी हाइट और लेंथ में आज की तारीख में किसी सिंगल फार्म पर नहीं मिलेंगी। सबके पास 1-2 बकरियां होती आती है, बेच देते हैं। और ये ब्रीडिंग प्रॉपर एक ब्रीडिंग फार्म है कि शौकीन पर्सन कोई आता है, देखो क्वालिटी का कॉस्ट लगेगा,
ये ट्रेडिंग का माल नहीं है, ये ब्रीडिंग का माल है। ये फीमेल बहुत अच्छी टॉप क्वालिटी में, चमक बहुत अच्छी है, फ्रेम बहुत अच्छा है, मेन बात है प्योर बीटल जो बोलते हैं, बहुत शानदार क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के अंदर फीमेल है। तो जैसे कोई शौकीन पर्सन आता है तो एनिमल सेल करोगे, नंबर दो अपना, नंबर कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, इसको डाल 88241 7408 आप किस टाइम से रिप्लाई हाथों हाथ मिल जाएगा, क्योंकि भाई बैंक के अंदर जॉब भी करते हैं, व्हाट्सअप करेंगे तो वहाँ पे व्हाट्सएप ड्यूटी पे होम है, रिप्लाई जरूर आएगा, ट्रांसपोर्ट ऑल इंडिया हो जाएगा, ऑल इंडिया करवा देंगे। फ्रेंड्स ये थे अब्दुल खालिक फ्रॉम किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ से, आप ये वीडियो देख रहे थे। हमारे नए व्यूवर्स के रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।